नमस्कार, मैं अविनाश कृष्ण सिंह, जिलाधिकारी संभल। माह अगस्त 2020 में प्रथम चक्र के नियमित खाद्यान्न वितरण के विषय में जानकारी देने के लिए यह ऑडियो जारी कर रहा हूं। माह अगस्त 2020 में खाद्यान्न का वितरण दिनांक 5 अगस्त 2020 से दिनांक 14 अगस्त 2020 तक किया जाएगा। जनपद के समस्त अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से दिया जाएगा। इस प्रकार अंत्योदय कार्ड धारकों को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न का मूल्य ₹85 का भुगतान करना होगा। पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 2 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कार्ड धारकों को वितरित किया जाएगा। वितरण अवधि दिनांक 5 अगस्त 2020 से दिनांक 14 अगस्त 2020 के मध्य। वितरण के दौरान जिन कार्ड धारकों का अंगूठा ईपास मशीन में नहीं आएगा, उनको दिनांक 14/8/2020 को मोबाइल पर OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए तथा पारदर्शी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के लिए पूर्व की भांत जनपद में 869 नोडल अधिकारियों तथा 88 पर्यवेक्षकीय अधिकारियों की तैनाती की गई है। नामित नोडल अधिकारी कोटे की दुकान पर उपस्थित रह करके तथा पर्यवेक्षकीय अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रह करके अपने समक्ष पूरी मात्रा में तोल कराकर खाद्यान्न का निर्धारित दर पर वितरण कराएंगे तथा प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी करेंगे। मैं सभी कार्ड धारकों को यह कहना चाहूँगा कि यदि किसी भी कोटे की दुकान से उन्हें खाद्यान्न कम तोल करके दिए जाने का प्रयास किया जाता है, घटतौली की जाती है अथवा निर्धारित मात्रा से एक भी दाना कम दिया जाता है या किसी भी प्रकार से निर्धारित मूल्य से अधिक धन की मांग की जाती है, तो ऐसी दशा में वह खाद्यान्न लेने से इनकार कर दें तथा वहां पर नामित नोडल अधिकारी को इसकी सूचना दें। नामित नोडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कोटेदार के से पूरी मात्रा में तोल कराकर कार्डधारक को खाद्यान्न उपलब्ध कराए तथा शिकायत का मौके पर ही निस्तारण करें। यदि नोडल अधिकारी या पर्यवेक्षकीय अधिकारी को बताने के बावजूद कार्डधारक की समस्या का निराकरण नहीं होता है, खाद्यान्न पूरी मात्रा में नहीं मिलती है अथवा किसी प्रकार के अतिरिक्त धन की मांग की जाती है, तो ऐसी दशा में वह खाद्यान्न लेने से फिर भी इनकार कर दे तथा दूरभाष के माध्यम से तहसील पर बने हुए कंट्रोल रूम अथवा जिला नियंत्रण कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे। कंट्रोल रूम में दूरभाष से सूचना प्राप्त होने के उपरांत कार्ड धारकों को डेडिकेटेड स्टाफ लगाकर उनकी लिए निर्धारित पूरी मात्रा में तोल कराकर खाद्यान्न दिलाया जाएगा तथा शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कराया जाएगा। दोषी कोटेदार एवं अन्य के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। मैं पर्यवेक्षकीय अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि वह वितरण की पूरी अवधि में क्षेत्र में भ्रमणशील रहें तथा नामित नोडल अधिकारी वितरण की पूरी अवधि में कोटे की दुकान पर उपस्थित रहकर अपने समक्ष पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के साथ पूरी तोल करा करके खाद्यान्न का वितरण कराए तथा किसी प्रकार की घटतौली अथवा अतिरिक्त धन की मांग जैसी शिकायतों का निराकरण कराए। मैं जनपद के सभी कोटेदारों से भी कहना चाहूँगा कि वह सभी कार्डधारकों को पूरी मात्रा में तोलकर खाद्यान्न दे तथा किसी प्रकार के अतिरिक्त धन की मांग कदापि न करें। अगर ऐसा करते हुए कोई शिकायत प्राप्त होती है और जांच में सही पाया जाता है, तो संबंधित कोटेदार के विरुद्ध कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी कार्डधारकों से अपील करूँगा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के दृष्टिगत वह मास्क लगाकर और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के हिसाब से ही कोटे की दुकान पर जाएं, भीड़ लगाकर न जाएं, अधिक से अधिक 5 की संख्या में जाएं तथा 2 गज की दूरी पर खड़े होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। उचित दर विक्रेता को भी मोहल्ला वार्डवार दिनांकवार कार्डधारकों की सूची तैयार कर दुकान पर प्रदर्शित करना होगा। कार्डधारकों से अभी अपील है कि वह ईपास मशीन का प्रयोग करने से पहले सैनिटाइजर अथवा साबुन से अपने हाथ को अच्छी तरीके से साफ करके ईपास मशीन का प्रयोग करें।
मैं जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं थाना अध्यक्षों से भी कहना चाहूँगा कि वितरण की पूरी अवधि में स्वयं ही भ्रमणशील रह करके कार्ड धारकों के तथा कोटेदारों के मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराए जाने तथा निर्धारित मात्रा में कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में अपना योगदान दें। जिला प्रशासन आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद।